दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। दानिशमंदा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से शिवपुरी मंदिर बस्ती दानिशमंदा में स्थापित शनि महाराज जी की मूर्ति का 7वां मूर्ति स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इससे पहले शनि महाराज जी की मूर्ति का भक्तों द्वारा अभिषेक किया गया। इस समारोह में करवाए गए हवन यज्ञ में सोसाइटी के समूह पदाधिकारियों ने शामिल होकर आहुतियां डाली। इस अवसर पर युवा भाजपा नेता रॉबिन सांपला, पूर्व पार्षद कमल शर्मा, श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला के प्रधान मदनलाल खेंदर ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर आए हुए गणमान्यों को सोसाइटी के महासचिव राकेश कश्यप ने विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर बलदेवराज चौहान, योगेश मल्होत्रा, दविंदर लोच, सोमनाथ, हरीश कुमार बवनेजा, दिनेश कश्यप, सुषमा बवनेजा, मीना कश्यप, साहिल कश्यप, दमन कश्यप, ओम प्रकाश लोच, जनकराज, नरेश काला, बब्बू रतड़ा, पवन रतड़ा, श्यामलाल शर्मा, पप्पू मान, मनजीत सिंह, अमनदीप सिंह, सोमनाथ हंस सहित असंख्य भक्तजन मौजूद थे। अंत में विशाल भी लगाया गया। अज शिवपुरी मंदिर बस्ती दानिशमंदा दे विच सलाना शनिदेव महाराज जी का मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिस दे विच साढ़े पतौते सज्जन रोमन सांबला जी, ओम प्रकाश जी और साढ़े सैकटरी साहब राकेश कश्यप जी और सारे ही इलाका निवासी अज इस मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में भाग लिया है। अज तो 7 साल पहला शक्तिपीठ देवीतला मंदिर के प्रधान श्री शीतल विज जी ने दानिशमंदा वेलफेयर सोसायटी के माध्यम तो शनि महाराज जी की मूर्ति स्थापना की गई और शीतल विज जी ने इस मूर्ति का नींह पत्थर रखिया। असी जिथे उन्होंने धन्यवाद करते हैं उत्थे अज शनि महाराज का 7वां मूर्ति स्थापना दिवस दानिशमंदा वेलफेयर सोसायटी वालों अते समूह मंदिर सेवादारा वालों ते समूह इलाका निवासी वालों मना रहे हैं। प्रधान जी मदन लाल खिंदर जी, राकेश कश्यप जी, चौहान साहब जी उन्होंने वालों 7वीं वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया है। इस मूर्ति स्थापना दिवस से संगत बहुत हुम हुम आके पहुंचिया ने ते संगत ने शिवपुरी विच आके लंगर छकिया ते शनिदेव जी महाराज का आशीर्वाद लिया।